सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन है, लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, दिस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हाइट गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। एंड हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, दैट इज 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, सो लेफ्ट साइड में हम 88 लिख देंगे और राइट साइड में दिस इज 2। पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, सो 22/7। रेडियस हमें गिवन नहीं है, रेडियस फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर आर ही रहने देंगे। एंड हाइट 14 गिवन है, सो यहाँ पर 14 लिखेंगे। यहाँ से इस इक्वेशन से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो आर इज इक्वल टू 88, इस 7 को हम इधर लेके जाएंगे, सो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 88 मल्टीप्लाइड बाई 7, और बाकी की टर्म्स यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 14। यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 22 1 ज़ा 22 एंड 22 4 ज़ा 88, सो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 7 एंड 14 ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 2 ज़ा 14, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर 2 आएगा, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। वी नो दैट डायामीटर इज इक्वल टू 2 आर, हेंस द डायामीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, दिस इज 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इक्वल्स 2 सेंटीमीटर्स। हेंस द डायामीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायामीटर 140 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है डायामीटर, डायामीटर इज 140 सेंटीमीटर्स। यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर विल बी डायामीटर डिवाइड बाई 2, सो 140 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 70 सेंटीमीटर्स। और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हाइट हमें मीटर में गिवन है। सो रेडियस इज 0.7 मीटर्स एंड हाइट हमें गिवन है 1 मीटर। दीज आर द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर इज 2 पाई आर आर प्लस एच। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस इक्वल्स 2। पाई की प्लेस में हम 22/7 लिखेंगे, सो 22/7। रेडियस इज 0.7, सो यहाँ 0.7 लिखेंगे। अगेन आर प्लस एच, सो 0.7 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7। ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, 0.7 प्लस 1, दिस विल बी 1.7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये डेसिमल रिमूव करेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इस डेसिमल को भी रिमूव करेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, दिस इज 44, एंड 44 मल्टीप्लाइड बाई 17, 44 मल्टीप्लाइड बाई 17 इज 748। सो 748, डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है, सो राइट साइड से दो डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, सो दिस विल बी 7.48 मीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों ये क्लियर है। देयरफोर 7.48 स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, द इनर डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर्स
एंड आउटर डायामीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर्स, सी फिगर 13.11। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सो दिस इज फिगर 13.11। इसमें हमें एक सिलेंडर दिया गया है जिसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। लेट आर वन एंड आर टू आर इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। दिस इज द इनर रेडियस आर वन एंड दिस इज आउटर रेडियस, फिगर में देखिए, और ये हमें हाइट गिवन है। आइए अब इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया लिखते हैं। सबसे पहले डायामीटर गिवन है, उससे हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं आर वन एंड आर टू। फर्स्ट डायामीटर हमें 4 गिवन है, सो 4 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी रेडियस 1 एंड आर टू 4.4 डायामीटर हमें गिवन है, 4.4 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2.2 सेंटीमीटर्स, दिस इज रेडियस 2। क्योंकि पार्ट 1 में हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सो हम ये वाला रेडियस यूज़ करेंगे। आइए करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप हमें गिवन है, डेट इज 77 सेंटीमीटर्स। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज 2πRH। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, सो दिस इक्वल्स 2, पाई की प्लेस में हम लिखेंगे 22/7, रेडियस की प्लेस में हम 2 लिखेंगे क्योंकि हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, और हाइट हमें 77 सेंटीमीटर्स गिवन है, सो यहाँ 77 लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 से ये 77 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज़ 44, 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 88, एंड 88 मल्टीप्लाइड बाई 11, दिस विल बी 968। सो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। पार्ट 1 हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब पार्ट 2 कैलकुलेट करेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम ये बिगर रेडियस आर टू कंसिडर करेंगे जो कि 2.2 सेंटीमीटर्स गिवन है। आइए करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ पाइप, दिस इज 2πR2H। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की प्लेस में अगेन 22/7 लिखेंगे, आर टू हमें 2.2 गिवन है, सो यहाँ पर 2.2 लिखेंगे, एंड एच हमें 77 गिवन है, सो यहाँ पर 77 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 77 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 11 आएगा। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 11, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1064.8। सो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। सो पार्ट 2 भी हमने कर लिया है, अब पार्ट 3 करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। बच्चों टोटल सरफेस एरिया मींस इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर वाली सरफेस हो जाएगी, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर वाली सरफेस हो जाएगी। इसके अलावा ये एक रिंग है, ऊपर की इस सरफेस का एरिया भी हम कैलकुलेट करेंगे जिसको मैंने शेड किया है। इसी तरीके से एक रिंग नीचे की तरफ भी है, इसका एरिया भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमें टोटल 4 एरियाज चाहिए, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द 2 रिंग्स। आइए इसको करते हैं। ये मैंने सेम सिलेंडर लिया है जिसका कि हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इक्वल्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द अपर रिंग एंड एरिया ऑफ लोअर रिंग। आइए वैल्यूज लिख लेते हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था, दैट वाज 968, सो यहाँ 968 लिख लेंगे। आउटर सरफेस एरिया हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट किया था, दिस वाज 1064.8, सो 1064.8 लिख लेंगे। एरिया ऑफ अपर रिंग, रिंग का एरिया निकालने के लिए बच्चों फिगर में देखिए, हम आउटर सर्कल का एरिया लेंगे, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस रिंग का एरिया पता चल जाएगा। और हमारे पास ऐसी सिमिलर 2 रिंग्स हैं, सो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया ऑफ 2 रिंग्स हमें निकालना है, दिस इज़ 2, और एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ पाई आर स्क्वायर। आर अगर हम आउटर वाला लेते हैं, दिस इज़ पाई आर स्क्वायर आउटर सर्कल, इसमें से हमें
इनर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसको करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1064.8 प्लस 968, दिस विल बी 2032.8 प्लस 2। पाई की प्लेस में पाई, क्योंकि दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी पाई है और इधर भी पाई है, सो पाई को हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, दिस विल बी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज 2032.8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। रेडियस हमें आउटर रेडियस 2.2 गिवन था, सो यहाँ 2.2 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस इनर रेडियस हमें 2 गिवन था, सो 2 स्क्वायर लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इक्वल्स 2032.8 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। 2.2 प्लस 2 करेंगे, दिस विल बी 4.2, एंड 2.2 माइनस 2 करेंगे, दिस विल बी 0.2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट हटा देते हैं, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये पॉइंट भी हट जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, 7 6 जा 42, सो यहाँ पे 6 आ जाएगा। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, दिस इज 44, एंड 44 मल्टीप्लाइड बाई 12, सो दिस विल बी 528। सो ये हो जाएगा 2032.8 प्लस 528, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है, सो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस विल बी 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफोर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डायामीटर ऑफ अ रूलर इज 84 सेंटीमीटर्स एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर्स। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर्स। बच्चों रोड रोलर हमें दिया गया है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, इसकी लेंथ मीन्स उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर्स है और उसका डायामीटर 84 सेंटीमीटर्स है। हम इस रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड 500 रिवॉल्यूशंस मीन्स एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लगती हैं प्लेग्राउंड को लेवल करने में, सो हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है। उसके लिए हम 500 मल्टीप्लाइड बाई कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। आइए इसको करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हम रेडियस निकाल लेंगे, डायामीटर हमें गिवन था 84, सो 84 डिवाइड बाई 2, दिस इज 42 सेंटीमीटर्स, और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सो रेडियस इज 4.2 मीटर्स, लेंथ हमें 120 सेंटीमीटर्स दी थी, दैट इज हाइट, हाइट इज 120 सेंटीमीटर्स, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दिस इज 1.2 मीटर्स। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, दिस इज 2 पाई आर एच। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई की प्लेस में 22/7 लिखेंगे, रेडियस हमें 0.42 गिवन है, सो यहाँ पर 0.42 लिखेंगे, एंड हाइट इज 1.2, सो 1.2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा, एंड इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 7 6 जा 42, सो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज 44, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस इज 72 डिवाइड बाई 1000। 44 मल्टीप्लाइड बाई 72 करेंगे, दिस विल बी 3168। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1000 है, सो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, सो दिस इज 3.168 मीटर स्क्वायर्स। नाउ दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 1 रिवॉल्यूशन, एंड टोटल 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लगती हैं प्लेग्राउंड पर एक बार मूव करने में,
सो इसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल्स 500 मल्टीप्लाइड बाई कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई कर्व्ड सरफेस एरिया। सो दिस इक्वल्स 500 मल्टीप्लाइड बाई कर्व्ड सरफेस एरिया है 3.168, सो 3.168 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 मल्टीप्लाइड बाई 3.168 दिस इक्वल्स 1584 मीटर स्क्वेयर्स। देयरफोर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 1584 मीटर स्क्वेयर्स। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर्स इन डायामीटर 3.5 सेंटीमीटर्स इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वेयर्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सिलेंड्रिकल पिलर है जिसकी कर्व्ड सरफेस को हमें पेंट करना है, तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें डायामीटर और हाइट गिवन है, आइए इनको लिख लेते हैं। रेडियस कैलकुलेट करेंगे, रेडियस ऑफ पिलर इज इक्वल टू डायामीटर 50 दिया हुआ था, सो 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे, दिस इज 25 सेंटीमीटर्स, और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीटर में पता चल जाएगा। सो रेडियस इन मीटर्स इज 0.25 मीटर्स एंड हाइट इन मीटर्स इज 3.5 मीटर्स। हाइट हमें ऑलरेडी मीटर्स में ही गिवन था। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर निकालेंगे, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर दिस इज द फॉर्मूला 2πRH, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई इज 22/7, रेडियस इज 0.25 सो 0.25 एंड हाइट इज 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 7 5 35, सो दिस इज 0.5। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 दिस इज 44 एंड 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 दिस विल बी 0.125। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बी 5.5 मीटर स्क्वेयर्स। नाउ वी आर गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर पर मीटर स्क्वेयर दिस इज गिवन एज 12.50। सो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज 12.50 एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर्स एरिया, 5.5 मीटर स्क्वायर्स एरिया दिस विल बी रुपीज 12.50 मल्टीप्लाइड बाई 5.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी रुपीज 68.75। देयरफोर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया इज रुपीज 68.75। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर्स। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर्स फाइंड इट्स हाइट। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है और हमें सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट करनी है, आइए गिवन लिखते हैं। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर दिस इज 0.7 मीटर्स एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दिस इज 2πRH, ये फॉर्मूला है। कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वेयर्स, सो दिस इक्वल्स 4.4, यहाँ पर 4.4 लिख लेंगे एंड 2πRH इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे लेफ्ट साइड में, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, रेडियस हमें गिवन है 0.7, सो यहाँ 0.7 लिखेंगे। हाइट हमें कैलकुलेट करनी है सो उसको हम एच ही रहने देंगे, और राइट साइड में 4.4। लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को राइट साइड में लेके जाएंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 7 and 7 कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज 44/10, एच इज इक्वल टू 4.4। यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एच इज इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 44। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये डेसिमल रिमूव कर देंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, दिस 10 एंड 10 विल कैंसिल एंड 44 एंड 44 विल कैंसिल, सो एच इज इक्वल टू 1 मीटर्स, हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर्स। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।